अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने मलका के बारे में आपको बहुत ही कुछ खास बातें बताने जाने लगा हूँ। मेरी मलका बहुत उदास है। मैं मलका के पास 2-3 दिन से नहीं गया क्योंकि इसने मेरे हाथ पे बाइट कर ली थी। गोश्त खाते खाते इसने मेरे साथ बाइट कर ली थी और ये अब सुकून से बैठी हुई है। मैंने इसके पास जाना है और ये मेरे साथ खेलना चाहती है, लेकिन मैं इसके पास जाऊंगा, लेकिन इसके पास जाने के लिए मुझे थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। मलका कब बहुत खेलती है मेरे साथ, तो अभी मैं इसके केज में जाऊंगा और ये अभी हम इसके लिए कूलर लेके आए हैं, नया इसके लिए कूलर लेके आए क्योंकि इसको गर्मी लगती है और मैं चाहता हूँ कि इसको गर्मी ना लगे क्योंकि मौसम कुछ ख़राब हो रहा है। इसलिए मैं चाहता था कि इसके लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाए ताकि ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करते जल्दी। और अभी मैं इसके केज में जाने लगा हूँ और देखिएगा ये मुझे कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं इसके केज में गया ही नहीं हूँ। अभी चलते हैं इसके केज में। मलका, हेलो, कम। देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये मेरे साथ खेलना चाहती है। अभी मैं इसके केज में जाऊंगा तो ये मेरे साथ और खेलेगी। अभी मैं जाने लगा इसके केज में, तो चलते हैं इसके केज में। गाइस, मैं इसके केज में जाने लगा हूँ। देखें, मैंने केज में जाना है तो वो ये देखें क्या कह रही है। अभी ये मस्तियाँ कर रही है और इसका पूरा ख्याल है कि मैं केज के अंदर जाऊँ, ये मुझे जल्दी से चप्पी डाल ले। अब देखना, इसने ऐसा ही करना है। अभी इसके केज में जाते हैं हम और जाते साथ इसने मुझे पकड़ लेना है। मेरी कोशिश होगी ये पहले इधर आ जाए ताकि मैं एंटर हो जाऊँ। मैंने आपको बोला था ना, इसने मुझे पकड़ लेना था। दिलदार भाई थोड़ा सा आगे आ जाए। मैंने कहा था इसने मुझे पकड़ लेना, मेरे साथ खेलना है इसने, क्योंकि 2-3 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। ओके। नाराज़ी 2-3 दिन से नाराज़ी क्योंकि हम 2-3 दिन से हम नहीं मुलाकात हुई थी हमारी, तो अभी ये चाह रही थी मेरी से मुलाकात हो जाए, तो अभी मेरी इससे मुलाकात होगी। ओ बस 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 चल बस बस चल सी डाउन चलो सी डाउन बस रिलैक्स। मैंने कहा था ना इसने मेरे साथ काफ़ी खेलना है और खेलने की वजह से ये मेरे साथ काफ़ी उदास हुई थी। 2-3 दिन से मेरी इसके साथ मुलाकात नहीं थी तो इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कह रही है। गुड गुड सी डाउन चल बस 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 मलका के साथ खूब सारी हमने मस्तियाँ की हैं। आज मलका के दिल भी ठीक था और खेलने का मूड भी था। आज हमने मलका के साथ खूब खेला है। अभी हम वापस निकलते हैं केज से बाहर क्योंकि इसको केज के अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और मलका के साथ हमने इंजॉयमेंट कर लिया है। तो आते हैं केज से बाहर, आते हैं मलका की पूरी कोशिश होगी ये भी केज से बाहर है, लेकिन मैंने ये देखे मुझे पकड़ लिया कि मुझे बाहर लेके चलो। छोड़ो फिर छोड़ो नो, मेरी पूरी कोशिश होगी इसको बाहर ना लेके आए, क्योंकि जब ये बाहर आती है ना तो फिर ये मेरे से पकड़ी नहीं जाती है। घर में इतना तंग करती है कि आपको मैं कुछ बता नहीं सकता, तो मेरा ख्याल इसको अंदर रहने देती है। क्या ख्याल आपका? ठीक है, मैंने आपको अपनी मलका के बारे में आज बहुत कुछ बातें बताई है। लविंग भी है और अटैक बिल्कुल नहीं करती, बस खेलती है, प्लेइंग करती है, हमारे साथ खेलती है बहुत ज़्यादा। और यार ये देखिए इसके ये जो काम है ना, ये काम नहीं ठीक यार। सारे कपड़े एक मिनट में सारे के सारे ख़राब कर देती है यार। इसकी वजह से मुझे बहुत गर्मी डांट पड़ती है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। आपको बताया था आज अपनी मलका के बारे में, मेरी मलका कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मेरा ख्याल है कि मेरी मलका सबसे ज़्यादा टेम है, मुझे बाइट करती है लेकिन वो उस लिहाज से बाइट नहीं करती कि वो मुझे नुकसान पहुँचाए। कभी भी मुझे उसने मतलब बाइट वो वाली की नहीं जो मतलब जानवर एंग्री होकर करते हैं ना, इसने मुझे कभी वो बाइट नहीं की, क्योंकि ये मेरे साथ खेलती है और ये खेलते खेलते ये बस कपड़ों को पकड़ती है। और कपड़ों को पकड़ने का मकसद इसका है क्योंकि इसके हमने नेल नहीं रखे, हमने इसके नेल बिल्कुल नहीं रखे क्योंकि हमने नेल इसके सर्जरी कराई हुई है। सर्जरी कराई इसलिए कि ये जब ऐसे ऐसे करती है नेल लगाती है, नेल लगने से इंसान के मतलब अंदर चले जाते हैं, फिर वो नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रैशें आ जाती है जिस्म के ऊपर, इसलिए हमें इसके नेल निकलवाए। इसलिए वो पकड़ती है हमें तो सिर्फ कपड़ों से, मतलब वो अपने तीस से पकड़ती है मलका में। अभी इसके लिए बात कर, मैं क्या करूँ यार, काफ़ी दिन से मेरे साथ उदास थी इसलिए ये खेलना चाहती है। तो गाइस, आज मैंने आपको मलका का दिखाया कि कैसे मलका मेरे साथ मस्तियाँ करती है। जब मैं अपने केज में आता हूँ ये मेरे साथ फुल मस्तियाँ में आ जाती है और
ये ऐसे मेरे साथ खेलती रहती है और मुझे बाइट नहीं करती, बिल्कुल बाइट नहीं करती, ये मेरे साथ खेल रही है। अब देख रहे होंगे कि मुझे बाइट करने की कोशिश कर, बाइट नहीं कर रही, वो मेरे कपड़ों को जस्ट पकड़ रही है, मेरे साथ खेलना चाहिए। मुझे कह रही मुझे बाइट निकालो, अगर मैंने इसको बाइट निकाल लिया तो इसने अंदर नहीं आना। और ये इसने मुझे कल बाइट की थी, ये देखें थोड़ा सा दिखाओ, ये देखें, ये इसने मुझे कल बाइट कर दी थी और काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकला था, लेकिन इसने जान के नहीं की थी। वो मैं इसको गोश्त खिला रहा था, गोश्त खाते खाते तो मेरा हाथ अंदर चला गया, तो मुझे पता नहीं चला। तो गाइस आज का व्लॉग खत्म करते हैं इधर ही, अपने सनी भाई को इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।